हैं नमस्ते। तो आज हम करेंगे अपने ग्रेप्स प्लांट की एयर रूटिंग, तो शुरू करें। तो एक साफ नाइफ की सहायता से हम एक स्ट्रैंड को सिलेक्ट करेंगे और इसको छिलना शुरू करेंगे, लाइक इस तरह से। और इसे तोड़ना नहीं है, बस हमने इसे थोड़ा सा छिल देना है, लाइक मैंने थोड़ा सा किया हुआ है पहले। और बस मैं आपको प्लांट को अच्छे से छिलने के बाद आप कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वैसे भी ऑप्शनल है। और हार्मोन, रूटिंग हार्मोन को अच्छे से पानी में मिलाने के बाद इसे एक पेस्ट फॉर्म पे मैंने रेडी कर लिया है और इसे उस एरिया पे लगाऊंगी जितना कि ये एक्सपोज हो रहा है। इसे अच्छे से चारों तरफ लगा लिया, दैट्स इट। तो मैंने इस तरह से मिट्टी के पेस्ट को प्लास्टिक के थैले में ले लिया है और अब इसे हमने यहाँ रैप करना है। उसी सेम स्पॉट पे रैप करना है जहाँ पे हमने पहले रूटिंग हार्मोन लगाया था। इस तरह से अच्छे से इसे हम पैक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कहीं से भी अब एयर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारा जो, इस तरह से हम प्लास्टिक बैग को टाइट कर लेंगे और ये खुद ब खुद चिपक जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं ये इसमें टाइट हो चुका है। तो एक साइड मैं इस तरह से सील कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि ये इधर से पानी ना टपके और हवा भी ज़्यादा पास ना हो। तो इसे थोड़ा टाइट कर लेते हैं और दूसरी तरफ से, ये प्लास्टिक से ही अच्छे से टाइट है क्योंकि एक फॉइल रैप है। तो फिर अब हमें क्या करना है, इसे धूप से बचाना है। तो धूप से बचाने के लिए एक फॉइल रैप कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरफ से ये रेडी है और इंतज़ार करते हैं 4 वीक्स का जड़ आने तक का। थैंक यू। तो 1.5 महीने के बाद हम देखते हैं हमारे ग्रेप्स के प्लांट की एयर रूटिंग कैसे हुई है, इसमें कोई रूट निकले हैं या नहीं निकले हैं। चलो देखते हैं। प्लांट तो काफ़ी हेल्दी दिखता है और लेट्स ओपन इट। दिख रहा है रूटिंग हो चुका है यहाँ, काफ़ी अच्छी रूटिंग निकली हुई है, रूट्स काफ़ी अच्छे निकले हुए हैं। तो ये जैसा लॉक लगा रखा था मैंने, इसे भी उतारा जाए। वो तो इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हुई है, तो हम इसे यहाँ से काट देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ज़बरदस्त रूट निकले हैं और रूटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो हमने इसे एयर रूटिंग किया था और ये 1.5 महीने पहले मैंने इसे लगाया था और ये सक्सेसफुल रहा, तो काफ़ी खुशी हो रही है देख के। तो मैंने इस टेक्निक को पहले शेयर कर रखा है, आप देख लीजिए। थैंक यू। और फिर आप प्लांट को किसी भी अच्छे एक पॉट पे शिफ्ट कर दीजिए और आपका पौधा तैयार है। इसे डायरेक्ट सन पे मत रखिए, अभी कुछ दिन तक इसे इनडायरेक्ट लाइट पे ही रखना है जब तक कि ये इसमें अच्छे से जम न जाए। थैंक यू।